एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी में समाज के विकास के लिए अच्छी तरह से शिक्षित और कौशल के साथ सही सोच जरूरी है। एक सुखी और विकसित समाज के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की आबादी करीब 132 करोड़ है। बढ़ती जरूरतों और मांगों के अनुसार हमारे देश में शिक्षा प्रणाली पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे बदलावों से गुजरी है। भारत में शिक्षा का स्तर बेहतर हो रहा है और कई बच्चे शिक्षा के माध्यम से उच्च अंक प्राप्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार बेहतर सुविधाएं प्रदान करने वाली विभिन्न योजनाओं की मदद से बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रही है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों में कई बदलाव कर रही है, जिनका मकसद प्रशिक्षण और पढ़ाई में सुधार करना है, जिससे जम्मू कश्मीर में शिक्षा स्तर को बढ़ाया जा सके। ऐसी योजनाएं जिन्होंने बच्चों को स्कूल जाने और सीखने के लिए प्रेरित किया है। प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने कई परियोजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी के लिए समान शिक्षा सुनिश्चित करने वाली विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अच्छे स्कूलों का विस्तार कर सभी को अच्छी शिक्षा देना है। साथ ही जम्मू और कश्मीर में प्रारंभिक शिक्षा के लिए योजनाएं भी बनाई गई हैं। सर्व शिक्षा अभियान SSA सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 2001 में शुरू किया गया था और ये भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। सर्व शिक्षा अभियान बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा यानी कि UEE प्राप्त करने के लिए प्रमुख कार्यक्रम है। SSA मुख्य रूप से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी है। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाना है और समयवार तरीके से सुधार कर इस उद्देश्य को पूरा करना है। इसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चे शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्यक्रम उन बस्तियों में नए स्कूल खोलने का प्रयास करता है जिन क्षेत्रों में शौचालय, पेयजल, क्लासरूम और स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है। इसके अतिरिक्त रखरखाव अनुदान और स्कूल सुधार समुचित फंड पहुंचाकर मौजूदा स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में ये जाना जाता है। ये योजना 1995 में प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का खाना देने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना को बनाने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की कक्षा में भूख को खत्म करना और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और नामांकन में वृद्धि करना है। जम्मू और कश्मीर में दोपहर का खाना देने की योजना का उद्देश्य सभी जातियों और धर्मों के बच्चों के बीच सद्भाव और आपसी रिश्तों में सुधार करना और खाना बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भी मुख्य भागीदारी को बढ़ाना है। ये बच्चों के बीच अपर्याप्त और अनुचित पोषण के मुद्दे को संबोधित करता है। जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाया गया है क्योंकि ये योजना रोजगार के नए अवसर पैदा करती है। शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार। भरपूर पोषक आहारों से भोजन तैयार, जो है बच्चों के स्वास्थ्य का आधार।